हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जी कैरेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार की राज व्यवस्था के अंतर्गत इसके सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जी कैरेटिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका उत्तर है राबड़ी देवी। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी है। अगला प्रश्न है, बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 16 सदस्य। बिहार से राज्यसभा के लिए कुल 16 सदस्य चुने जाते हैं। अब अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो इसका उत्तर है 38। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कुल 38 सीटें आरक्षित है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में पहली बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार कब बनी? तो इसका उत्तर है 1937 में। बिहार में पहली बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार 1937 में बनी थी। अब अगला प्रश्न है, बिहार में कुल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं? तो इसका उत्तर है 40। बिहार में कुल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 40 है। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो इसका उत्तर है 243। बिहार विधानसभा में कुल 243 सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 75। बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या 75 है। अब अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो इसका उत्तर है जयराम दास दौलत राम। बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे। वहीं अगला प्रश्न है, वह प्रथम बिहारी जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने, उनका नाम है भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा ही थे जिन्होंने पहली बार बिहार का नाम रोशन करते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने थे। अब अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर है 1916 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में कहाँ हुई? तो पटना में। अगला प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है किसमें? तो इसका उत्तर है राज्यपाल में। राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है राज्यपाल में। अगला प्रश्न है, राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राज्यपाल। राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है। अब अगला प्रश्न है, राज्यपाल की पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता या अर्हता है? तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी, अर्थात राज्यपाल भारत का नागरिक हो, उनकी उम्र 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हो और वह लाभ के किसी पद पर आसीन नहीं हो। आइए फिर से पढ़ते हैं, राज्यपाल की पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए? तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उनकी उम्र 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए और वह लाभ के किसी पद पर आसीन नहीं हो। अब अगला प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल को उसके पद से हटाने की शक्ति प्राप्त है? तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति को, अर्थात किसी भी राज्य के राज्यपाल को कौन हटा सकता? तो राष्ट्रपति। अब अगला प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल को किसे नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है? तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी, अर्थात किसी भी राज्य का राज्यपाल राज्य की महाधिवक्ता को, अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायाधीशों को और राज्य लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष तथा सदस्यों को कौन नियुक्त करता? तो वो राज्यपाल ही नियुक्त करता है। फिर से पढ़ते हैं, राज्य के राज्यपाल को किसे नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है? तो इसका उत्तर है राज्य की महाधिवक्ता को, अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायाधीशों को और राज्य लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष तथा
सदस्यों को। अब अगला प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल को उसकी पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है कौन? तो इसका उत्तर है राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्य के राज्यपाल को उसकी पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता? तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अब अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा सौंपता है किसे? तो इसका उत्तर है राज्यपाल को। मुख्यमंत्री को यदि अपना इस्तीफा सौंपना हो तो वो राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपता है। अब अगला प्रश्न है, राज्यपाल अपना इस्तीफा सौंपता है किसे? तो राज्यपाल अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपता है। राज्यपाल अपना इस्तीफा किसे सौंपता? तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, राज्य के विधानमंडल के अंग होते हैं? तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी अर्थात राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। राज्य के विधानमंडल के अंग कौन कौन है? राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। अगला प्रश्न है, बिहार विधानमंडल में सम्मिलित हैं? तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी अर्थात राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। पुनः यह प्रश्न आ गया है फिर से। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? तो इसका उत्तर है 169 अनुच्छेद में। बिहार के किस अनुच्छेद के लिए के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? तो 169 में। अब अगला प्रश्न है, राज्य की विधान परिषद की अवधि कितने वर्षों की होती है? तो इसका उत्तर है, तो इसका उत्तर कट गया है, इसका उत्तर होगा राज्य की विधान परिषद कभी भी विघटित नहीं होती, अर्थात इसका उत्तर डी होगा, जहां लिखा हुआ है उसका विघटन नहीं होता है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वह भारतीय नागरिक राज्य की विधान परिषद का सदस्य बन सकता है जिसकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष। यदि आपकी उम्र 30 वर्ष है तो आप भी विधान परिषद का सदस्य बनने योग्य हो जाएंगे। अब अगला प्रश्न है, राज्य के उच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी कथन सही हैं। तो आइए पढ़ते हैं एक एक करके। उसके आरंभिक क्षेत्राधिकार में संविधान की व्याख्या तथा नागरिकों की सुरक्षा संबंधी मामले आते हैं। वहीं दूसरा है, अपील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय मूल रूप से एक अपील सुनने वाला न्यायालय होता है। और तीसरा है, प्रशासकीय क्षेत्राधिकार में राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण तथा नियंत्रण शामिल है। अब अगला प्रश्न है, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसका उत्तर है महाधिवक्ता अर्थात एडवोकेट जनरल। अगला प्रश्न है, बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कब लागू किया गया? तो इसका उत्तर है 26 जून 1968 को। बिहार में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ सबसे पहले? तो इसका उत्तर है 26 जून 1968 को। अगला प्रश्न है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 26 जून 1968 को लागू किया गया, ये तो पहले क्वेश्चन में जान चुके हैं, उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका उत्तर है महामाया प्रसाद सिन्हा। जब बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे महामाया प्रसाद सिन्हा। अब अगला प्रश्न है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 26 जून 1968 को लागू किया गया, उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो इसका उत्तर है नित्यानंद कानूनगो। याद रखेंगे कि जब बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा तो उस समय मुख्यमंत्री थे महामाया प्रसाद सिन्हा और उस समय राज्यपाल थे नित्यानंद कानूनगो। अगला प्रश्न है, बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो इसका उत्तर है 8 बार। बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा? तो
8 बार। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में सबसे कम अवधि के लिए कब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात 1995 में कितने दिनों के लिए? तो 7 दिनों के लिए। बिहार में सबसे कम अवधि के लिए कब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? तो 1995 में कितने दिनों के लिए? तो 7 दिनों के लिए। अब अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका उत्तर है मोहम्मद यूनुस। ये 1937 में गठित सरकार के मुख्यमंत्री बने थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका उत्तर है मोहम्मद यूनुस। अब अगला प्रश्न है, बिहार में संवैधानिक शासन कब से प्रारंभ हुआ? तो इसका उत्तर है 1950 से। बिहार में संवैधानिक शासन कब से आरंभ हुआ? तो 1950 से। अगला प्रश्न है, बिहार में राज्य योजना का प्रारूप कौन तैयार करता है? तो राज्य नियोजन परिषद। बिहार में राज्य योजना का प्रारूप कौन तैयार करता? तो राज्य नियोजन परिषद। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में प्रथम जिला नियोजन का गठन हुआ था? तो मुंगेर में। बिहार के किस जिले में प्रथम जिला नियोजन का गठन हुआ था? तो मुंगेर में। अब अगला प्रश्न है, बिहार पंचायत राज्य अधिनियम 1993 में पंचायत राज की संरचना कैसी है? तो इसका उत्तर है त्रिस्तरीय, जिसमें था ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। अब अगला प्रश्न है, किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया? तो इसका उत्तर है बिहार में। सबसे पहले बिहार राज्य में ही अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया था। अब अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय करने का अधिकार किसे है? तो इसका उत्तर है राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करने का अधिकार किसे है? तो राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को। अगला प्रश्न है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च गृह में बिहार को कितनी सीटें मिली थी? तो इसका उत्तर है 8। केंद्रीय संसद के उच्च गृह में बिहार को कुल 8 सीटें मिली। अब अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे कहाँ से? तो बिहार से ही थे। उनका नाम क्या था? आपको हमारे कमेंट बॉक्स में बतलाना है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इनका नाम आपको हमारे कमेंट बॉक्स में बतलाना है। अब अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ? तो इसका उत्तर है बिहार के कारण। भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ था? तो बिहार राज्य के कारण ही। अगला प्रश्न है, बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ था? तो 1967 में। बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन 1967 में हुआ था। अगला प्रश्न है, अंतिम बार बिहार का विभाजन कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को। इसी दिन झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी। अंतिम बार बिहार का विभाजन कब हुआ? तो याद रखेंगे, जिस दिन झारखंड राज्य की स्थापना हुई, अर्थात 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। अब अगला प्रश्न है, बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो 9। बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं। अब अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा 38वां जिला बना है? तो अरवल। अरवल जो है बिहार का 38वां जिला है। आप लोग जानते हैं बिहार में कुल 38 जिले हैं, जिसमें सबसे आखिरी का जिला अरवल है। अब अगला प्रश्न है, बिहार का नवीनतम जिला अरवल किस जिले से विभाजन के उपरांत बना है? तो इसका उत्तर है जहानाबाद। जो बिहार में सबसे अंत में जिला बना अरवल, वह किस जिला से टूटा है? तो इसका उत्तर होगा जहानाबाद से टूटकर बना है। अब अगला प्रश्न है, मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में
किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो 2003 में। मैथिली भाषा को 2003 में ही भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित अर्थात शामिल किया गया था। अब अगला प्रश्न है, भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री रहे कितनी बार? तो कुल 3 बार। भोला पासवान शास्त्री बिहार के कितनी बार मुख्यमंत्री रहे? तो 3 बार। अब अगला प्रश्न है, बिहार में पंचायत चुनाव करवाने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया है? तो इसका उत्तर है राज्य सरकार के द्वारा। बिहार में पंचायत चुनाव करवाने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया? तो राज्य सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, राज्य की विधानसभा की अवधि होती है कितने वर्षों की? तो 5 वर्षों की। राज्य की विधानसभा की अवधि कितने वर्षों की होती है? तो 5 वर्षों की। अगला प्रश्न है, बिहार विधानमंडल में उच्च सदन है कौन सा? तो विधान परिषद ही बिहार विधानमंडल में उच्च सदन है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के तहत महिलाओं के लिए मुखिया के कितने प्रतिशत पद आरक्षित हैं? तो 50%। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के तहत महिलाओं के लिए मुखिया बनने में कुल 50% पद आरक्षित हैं। अब अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक जिसके हस्ताक्षर के पश्चात अधिनियम बनते हैं किसके हस्ताक्षर से? तो राज्यपाल के हस्ताक्षर से। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित यदि कोई विधेयक पर जब तक राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं करेगा वह अधिनियम नहीं बनेगा। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा का सत्र बुलाने तथा सत्रावसान करने का अधिकार किसे है? तो राज्यपाल को। राज्यपाल को ही राज्य विधानसभा का सत्र बुलाने तथा सत्रावसान करने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, बिहार से लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर है 6। बिहार में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो 6। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से बिहार से लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कौन से लोकसभा क्षेत्र आरक्षित है? तो उपर्युक्त 3 अर्थात गोपालगंज, हाजीपुर और समस्तीपुर। निम्नलिखित में से बिहार से लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कौन कौन से लोकसभा क्षेत्र आरक्षित है अर्थात रिजर्व है? तो गोपालगंज, हाजीपुर और समस्तीपुर। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कुल आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो 2। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कुल आरक्षित सीटों की संख्या 2 है। अब अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में निम्नांकित में से कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? तो ए और बी दोनों अर्थात कटोरिया और मनिहारी, ये दोनों जो है बिहार विधानसभा में विधानसभा सीट अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित है। अगला प्रश्न है, बिहार में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर है 8। बिहार में कुल 8 नगर निगम है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में जिला परिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो 38। बिहार राज्य में जिला परिषद की संख्या है 38। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा नगर बिहार के नगर निगम है? तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी अर्थात भागलपुर, मुजफ्फरपुर और गया, ये सभी जो है नगर निगम है बिहार के। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के एक सदस्य का चुनाव किसकी आबादी पर होता है? तो इसका उत्तर है 500। ग्राम पंचायत के एक सदस्य का चुनाव कितनी आबादी पर होता है? तो 500 व्यक्ति अर्थात आबादी पर। अगला प्रश्न है, राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? तो इसका उत्तर है राज्यपाल। राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति राज्यपाल होता है। अगला प्रश्न है, बिहार के राज्यपाल को विधानसभा में
कितने आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य या सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो इसका उत्तर है एक। बिहार के राज्यपाल को विधानसभा में केवल एक आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है। अब अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में राज्य सचिवालय का प्रधान अधिकारी कौन होता है? तो इसका उत्तर है मुख्य सचिव। बिहार राज्य में राज्य सचिवालय का प्रधान अधिकारी कौन होता? तो मुख्य सचिव। अगला प्रश्न है, प्रखंड का प्रधान निम्नांकित में से कौन सा अधिकारी होता है? तो प्रखंड विकास पदाधिकारी। प्रखंड अर्थात ब्लॉक का प्रधान कौन होता है, कौन सा अधिकारी? तो प्रखंड विकास पदाधिकारी। अगला प्रश्न है, राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है कौन सी? तो ग्राम पंचायत। राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है ग्राम पंचायत। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।